दिल्ली में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, और लेकिन हमें चिंता करने की, घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली के अंदर हमने आपके इलाज के लिए सफिशिएंट इंतज़ाम किया हुआ है। अगर आपके घर में किसी को कोरोना होता है तो हमने इंतज़ाम किया हुआ है कि उसको अस्पताल में बेड मिलेगा। अगर उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमने इंतज़ाम किया हुआ है कि उसको ऑक्सीजन मिलेगी। अगर उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत है, हमने इंतज़ाम किया हुआ उसे वेंटिलेटर मिलेगा। हमने देखा कि देश में, अपने देश में कुछ शहरों में और दुनिया भर में कई ऐसे बड़े बड़े देश हैं जहां कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया, वहां सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई? कोरोना अगर एक बार ही आ जाए तो फैलता तो है, लेकिन दिक्कत ये हुई कि वहाँ पे अगर 8,000 पेशेंट थे, सॉरी 20,000 मान लीजिए पेशेंट थे, तो बेड उनके पास 8,000 ही थे। बेड की कमी हो गई उनके पास, उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, उनके पास वेंटिलेटर की कमी होगी, उनके पास आईसीयू की कमी हो गई। इस सब की वजह से वहाँ पे दिक्कतें आने लगी, लोगों को इलाज नहीं मिल पाया और लोगों की मौत बहुत ज़्यादा हो गई। आज उस मामले में दिल्ली, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं, तो दिल्ली में हालांकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने इतना इंतजाम किया हुआ है कि अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो उसके लिए बेड का, ऑक्सीजन का, आईसीयू का, सबका इंतजाम किया हुआ है। एक तरफ तो मैं कहता हूं कि हमने आपके लिए इंतजाम किया हुआ है, बेड की कोई कमी नहीं है, हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, आईसीयू की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ कई बार लोगों के फोन आते हैं, लोगों के मैसेज आते हैं, जी मैं दर दर भटक रहा हूं, मेरे को बेड नहीं मिल रहा, मैं इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, मुझे बेड नहीं मिल रहा। तो इन्फॉर्मेशन का गैप है। एक तरफ सरकार ने आपके लिए बेड का इंतजाम कर रखा है, जैसे आज की डेट में 6,731 बेड हैं और दिल्ली के अस्पतालों में केवल 2,600 पेशेंट हैं, तो लगभग 4,100 बेड खाली पड़े हैं, 4,100 बेड आज खाली पड़े हैं। लेकिन जब लोग जा रहे हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि मैं किस अस्पताल में जाऊं, मेरे को किस अस्पताल में बेड मिलेगा, मेरे को किस अस्पताल में ऑक्सीजन मिलेगी, मेरे को किस अस्पताल में वेंटिलेटर मिलेगा, लोगों को आइडिया नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन गैप है। इस इन्फॉर्मेशन गैप को पूरा करने के लिए हम लोग आज एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये ऐप जो है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। और तो ये एक बारी ऐप देख लेते हैं, ये कैसे काम करता है। अभी आपके सामने ये दिखाएंगे, जैसे जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये ऐप सामने दिखाया उसने कि टोटल बेड कितने थे। फिर उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक 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 अस्पताल की डिटेल आ रही है, एक एक अस्पताल के आगे कि कितने बेड खाली हैं, कितने टोटल बेड हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। जैसे अभी 6,731 बेड टोटल हैं, उसमें से 2,819 भरे हुए हैं और 3,912 खाली हैं। उसके अंदर ये वेंटिलेटर का आ गया, ये सारे किस अस्पताल में कितने वेंटिलेटर, टोटल 302 वेंटिलेटर है दिल्ली में और 210 खाली हैं, 92 वेंटिलेटर्स अभी भरे हुए हैं। तो ये अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। ये ऐप दिन में 2 बार इसको अपडेट करेंगे, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे ये ऐप अपडेट किया जाएगा, तो आपको लेटेस्ट स्टेटस पता चलता रहेगा। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक तो गूगल प्ले में जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले में दिल्ली डेली कोरोना, डेली कोरोना इस नाम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप इसका वेब पेज भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास ऐप नहीं है
तो इसका एक वेब पेज बनाया गया है, delhifightscorona.in, delhifightscorona.in/beds, इसके ऊपर भी आपको ये सारा बेड्स का स्टेटस मिल जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो आप 1031 जो हमारी हेल्पलाइन है, 1031 पे फोन करेंगे तो वो आपको पूरा का पूरा जो बेड्स का स्टेटस है वो आपको SMS के जरिए भेज देंगे। और या आप इस नंबर पे, अगर आप व्हाट्सएप नंबर है 8800007722, इस नंबर से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने ऐप से डाउनलोड कर लिया, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, आपको पता चला कि इस अस्पताल के अंदर इतने बेड खाली हैं, आप उस अस्पताल में गए, ऐप में लिखा है कि इतने बेड खाली हैं, आप उस अस्पताल में गए, अस्पताल ने आपके जाने के बाद आपको एडमिशन देने से मना कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? इसका हमने पूरा इंतजाम किया है, आप 1031 पे वहीं अस्पताल के रिसेप्शन पे बैठ के 1031 पे फ़ोन करना और 1031 पे आप बताना कि मैं अस्पताल में हूँ, ऐप में लिखा हुआ है इसके अस्पताल खाली हैं, ये मुझे एडमिशन नहीं दे रहे। 1031 पे तुरंत हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ के पास फ़ोन पहुँचेगा और वो स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ उस अस्पताल से बात करके आपको ऑन द स्पॉट मौके पे बेड दिलवाएंगे। इसका पूरा इंतजाम किया हुआ है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, आज दिल्ली के अंदर 20,000 से ज्यादा केस हो गए लेकिन केवल 2600 लोगों को अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत पड़ी। आज की डेट में भी 6-7 हजार लोग अपने घरों के अंदर इलाज कर रहे हैं, उनको अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। अगर सब लोग अस्पतालों में आने लग गए तो अस्पताल भर जाएंगे, ये मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई अस्पताल एनालिसिस करके, डॉक्टर्स एनालिसिस करके आपको ये कहते हैं कि आपको अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ घर में जाके, घर में अपना, आप माइल्ड हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, घर में इलाज करा लीजिए, उनकी बात मान लीजिएगा। वहाँ पे आप ज़बरदस्ती मत कीजिएगा कि बेड आपको दिया जाए। डॉक्टर्स अगर कहते हैं कि आपकी बीमारी सीवियर नहीं है, आपका घर में इलाज हो सकता है, आप घर में इलाज कर लीजिए। और घर में जब जाएंगे तो चिंता मत करना, हमने एक टीम लगाई है, वो दिन में 2-3 बार आपसे बात करेगी, आपके परिवार वालों से बात करेगी, और अगर आप घर में सीरियस हो जाते हैं तो फिर आपके लिए बेड का इंतजाम कर देंगे। तो सब लोग, मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन गैप था, जो बहुत बड़ा गैप था, वो अब ख़त्म हो जाएगा। आपको क्लिक ऑफ द बटन पे पता चल जाएगा कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड हैं और आपको अब बेड की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया।